उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता वापसी करने वाली योगी सरकार शपथ लेने से पहले ही एक्शन मोड में आ गई है। यूपी का चुनाव परिणाम आते ही प्रदेश सरकार की तरफ से पेंडिंग योजनाओं पर अमल करने के लिए दनादन आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिस कर्मियों को अब जबरन रिटायर करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। योजना पर अमल करने के लिए 3 दिन पहले ही स्क्रीनिंग रिपोर्ट आगामी 20 मार्च तक मुख्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले यूपी पुलिस विभाग ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर 50 साल या इससे अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराने को कहा था। 30 नवंबर 2021 तक स्क्रीनिंग रिपोर्ट मांगी गई थी। अभी तक सभी पुलिस कर्मियों की यह रिपोर्ट मुख्यालय में जमा नहीं की गई है। इसे लेकर मुख्यालय ने एक नोटिस जारी किया है। 20 मार्च 2022 तक हर हाल में रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत इस योजना पर अमल किया जा रहा है। इस योजना पर अमल के लिए पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग का आदेश जारी हो गया है। डीजीपी मुख्यालय के एडीजी स्थापना ने इस संबंध में सभी रेंज के आईजी, एडीजी व यूपी पुलिस के सभी यूनिट के डीजी को निर्देश जारी किया है कि 31 मार्च 2021 को 50 साल पूरा करने वाले उन पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्क्रीनिंग ली जाए जिनका अब तक की नौकरी का ट्रेड रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। असल डीजीपी मुख्यालय ने बीते 30 नवंबर तक ऐसे पुलिस कर्मियों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन कई जिलों और विभागों से उन पुलिस कर्मियों की सूची नहीं भेजी गई जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आ रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने 10 मार्च को नए सिरे से आदेश जारी कर 20 मार्च तक ऐसे पुलिस कर्मियों की लिस्ट मांगी है। इस बारे में एडीजी स्थापना का कहना है कि यह पुलिस की रूटीन कार्रवाई है। इसमें दागी व अक्षम पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कुछ दिनों में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। ऐसे में इस लटके हुए काम में तेजी आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।